दोस्तों, अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव करते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, टू व्हीलर राइड करते समय हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स को पास नहीं देते हैं, वहीं ओवर स्पीडिंग करते हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल पास करा है जिसमें आपको ट्रैफिक फाइन हो सकता है 10,000 रुपीज़ का। वहीं इसमें कार कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी बड़ा फाइन रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। अगर कार कंपनीज आपको धोखा देती है या फिर आपको कम क्वालिटी वाला कोई कंपोनेंट देती है या फिर कोई डिफेक्टेड कार देती है तो उसको फाइन हो सकता है 500 करोड़ रुपीज का। तो इस वीडियो में मैं आपको, काफी छोटी वीडियो है, पूरा डिटेल में बता दूंगा कि क्या न्यू रूल आया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके क्या रूल आया हुआ है, उसको कब रिन्यू कराना होगा और सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा, और कौन सी पेनल्टी कितने की है, कब से ये लागू होने वाला है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बाकी आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना न्यू रूल निकाला है जिसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट 2019। ये इसका अब तक का सबसे ज्यादा लेटेस्ट लॉ होने वाला है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू, जो कि एक अमेंडमेंट है और इसको यूनियन कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। अब इसको सिर्फ पार्लियामेंट से पासिंग क्लियरेंस मिलना है, जिससे इसके बाद इसको थ्रू आउट द इंडिया अप्लाई कर दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो इसका बिल आया था ये 1988 में आया था, वहीं अब ये 31 साल के बाद इसमें एक मेजर अपडेट आ रहा है, यानी कि 31 ईयर्स में इसमें एक मेजर अपडेट मिल रहा है हमें इंडियन रोड्स में। वहीं 2016 में भी इसमें एक छोटा सा अपडेट आया था लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। तो करीब 10,000 रुपये का ट्रैफिक फाइन अगर आपको पड़ रहा है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट दिए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पहले वॉर्न करती है फिर उसके बाद ही पेनल्टी देती है। तो इन 5 पॉइंट्स में जो कैटेगरी दी है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये सारा कुछ इंडियन गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है ताकि इंडियन रोड्स को ज़्यादा सेफ बनाया जा सके, एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके और जो रैश ड्राइविंग होती है उसको कम से कम किया जा सके और लोगों में एक डर बनाया जा सके ताकि वो ऐसा कुछ भी करने से पहले ज़रा सोचे। दोस्तों, तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जो पहली कैटेगरी बनाई गई है पेनल्टी की, वो है ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस की, जिसमें आपको पेनल्टी भरनी होगी 10,000 रुपीज़ की, लेकिन अभी उसकी पेनल्टी है केवल 2,000 रुपये, यानी कि 5 गुना उसकी प्राइस बढ़ा दी गई है। वहीं जो इसकी दूसरी कैटेगरी है वो है ओवर स्पीडिंग की, और अभी आपको केवल 500 रुपीज़ की ही पेनल्टी देनी पड़ती है। वहीं जो इसकी तीसरी कैटेगरी है, जो कि सबसे ज़्यादा होगी, वो है सीट बेल्ट और हेलमेट यूज़ ना करना। इसकी जो पेनल्टी कॉस्ट होगी वो है 1,000 रुपीज़ की, लेकिन अभी केवल 100 रुपीज़ की आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। और दोस्तों, जो मोटर व्हीकल एक्ट की चौथी कैटेगरी है वो है इमरजेंसी व्हीकल्स को पास ना देना, जो कि आपकी मॉरल ड्यूटी भी है कि उनको पास दे, चाहे वो एम्बुलेंस हो, पुलिस की वैन हो या फिर फायर फाइटिंग स्टेशन हो। उसमें जो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो 10,000 रुपीज़ की है। अभी आपको कोई पेनल्टी नहीं देता है लेकिन अब आपको पेनल्टी देनी होगी अगर आपने ऐसा किया, और आपकी ये मॉरल ड्यूटी भी है कि आपको किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को तुरंत पास देना चाहिए। और जो पांचवी कैटेगरी इसमें बनाई है वो कैटेगरी है कि अगर आपने ऊपर चारों जो फॉल्ट है उनको दोबारा रिपीट करा तो आपको 5,000 रुपये की एडिशनल पेनल्टी देनी पड़ेगी और उनका फाइन तो देना ही होगा। और दोस्तों, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में बस इतना ही नहीं है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में और भी कई न्यू फीचर्स आए है, जिसमें वो ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर रिलेटेड है। अगर आप अपना न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं या फिर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए अब आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है, उसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है। वहीं जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है उसको 20 साल से घटा के अब केवल 10 साल कर दिए गवर्नमेंट ने, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसमें आपको ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, बार बार फिजिकल कराना पड़ेगा। वहीं जो 50+ ईयर वाले ड्राइवर्स हैं उनको भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और दोस्तों, जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की तीसरी मेजर कैटेगरी है उसको मैं कहूंगा सबसे बेस्ट कैटेगरी बनाई है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसमें उन्होंने एक सेपरेट कॉलम बना दिया गया है जिसमें अगर कोई भी मोटर व्हीकल कंपनी मैन्युफैक्चरर या फिर कोई भी पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड करता है या फिर आपको कोई सब स्टैंडर्ड व्हीकल्स होल्ड करता है या फिर कोई भी फैक्ट्री डिफेक्ट फेस करते हो आप, तो कंपनी को उसको पूरा बियर करना पड़ेगा और आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। आपको जो भी लॉस हुआ है या फिर जो भी आपको डिफेक्टेड मॉडल दिया गया है उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा या फिर उसकी कॉस्ट, पूरी कंप्लीट कॉस्ट आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो गवर्नमेंट उस कंपनी पे करीब 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा सेपरेट कॉलम बना दिया गया है, इसमें अब आपको कंज्यूमर कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर केसेस आपने देखे होंगे शोरूम में आपको डिफेक्टेड कार दे देते हैं, स्क्रैच और डेंट ये केस आते हैं, ये सब कुछ अब इसमें कवर हो जाएगा। तो जो सबसे बेस्ट एक्शन में कहूंगा इसी को कहूंगा। और दोस्तों, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की चौथी मेजर कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन बेस्ड ड्राइवर्स के लिए, यानी कि ओला उबर, जिसमें कि उनको अपना रिकॉग्निशन करना पड़ेगा
पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सर्वर्स में, जिससे कि अगर कभी वो कोई फॉल्ट करते हैं या फिर कोई उनसे गलती हो जाती है तो उनको वहीं पेनल्टी दी जा सके या फिर जो एक्शन लेना हो ले सके इजिली, और ट्रैफिक को काफ़ी बढ़िया तरीके से रेगुलेट किया जा सके। और जो इसका पाँचवा मेजर कैटेगरी है वो है इन्फोर्समेंट की, क्योंकि 10,000 रुपीज़ काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है और वो अपने साथ करप्शन को भी लेके आएगी, क्योंकि इसमें करप्शन सबसे ज़्यादा होने वाला है। जहाँ कैश आ गया वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन होने वाला है। अभी जो इंडियन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे कैश फॉर्म में हो रहे हैं। इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट का जो 2016 का वर्जन आया था उसमें इसके ऊपर सोचा गया था, लेकिन एक्शन कुछ भी लिया गया था। इसका अभी भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इसमें क्या किया जाए, लेकिन 2019 में हमें कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, चाहे वो इसमें ऑटोमेटिक बेस्ड सिस्टम हो, कैमरा बेस्ड सिस्टम हो जिसमें कि आपके घर ही में आ जाता है चालान, ऐसा ही कुछ सिस्टम यूज़ किया जाए जिससे कि सिस्टम को पूरा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, कोई भी पार्शियलिटी ना हो। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हैं तो आप अपने साथ वाले का ट्रैफिक चालान तो करने से रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, एक बिल्कुल स्क्रीनिंग हो तो यूनिफॉर्म हो सबके लिए हो, और जो वॉयलेटर है उसको फाइन देना पड़े। तो ये मैंने आपको पेनल्टी की भी डिटेल्स बता दी और जो उसकी मेजर अपडेट थी वो भी बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई है तो लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन मैन को ही ये सब कुछ देखना पड़ता है। वहीं कमेंट करके मुझे बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे बताइए कि आपको इसकी सबसे बढ़िया कौन सी कैटेगरी लगी, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन रोड्स को सेफ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है जिससे एक्सीडेंट्स कम किए जा सके, ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो, तो ये सब कुछ देख रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।